दोस्तों, हमारे धर्म में पीपल के पेड़ को देव वृक्ष माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। पीपल के वृक्ष को साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा था कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, इसीलिए पीपल की पूजा करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूरी हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के अलावा हमारे 33 कोटि देवताओं और हमारे पूर्वजों की दिव्य आत्माओं का वास भी पीपल के वृक्ष पर ही माना जाता है। इसीलिए इस एकमात्र वृक्ष की पूजा करने से ही हमें सभी देवी देवताओं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमें चमत्कारिक लाभ मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही चमत्कारी और दिव्य उपायों को बताने जा रही हूँ। ये उपाय आपको सिर्फ एक शनिवार को ही करना है और इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो कौन सा है वो उपाय, कैसे करना है, किस समय करना है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। बस आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियोज देखने को मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप धन के लिए बहुत अधिक परेशान हैं, आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है, कर्ज में घिरे हुए हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, या फिर नौकरी है लेकिन उसकी सैलरी से घर के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, या आप नौकरी बदलना चाहते हैं, एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर में कलेश बहुत अधिक है, झगड़े होते रहते हैं, तब भी इस उपाय को कर सकते हैं, बहुत ही शीघ्र लाभ होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि घर में पैसा बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है, बीमारियों में चला जाता है या कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है, धन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। और जब आपको धन की आवश्यकता होती है तो कर्ज लेना पड़ता है। इनमें से आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय को करने से धन आगमन भी होगा, धन संचय भी होगा, व्यापार में भी आपको लाभ होगा और नौकरी की समस्याएं भी दूर होंगी। बहुत ही अचूक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। अगर आप विश्वास से ये उपाय करेंगे तो बहुत ही शीघ्र लाभ होगा। बस एक ही शनिवार को ये उपाय आपको करना है। दोस्तों, करना क्या है कि इस उपाय को आपको शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद करना है। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद किसी पुराने पीपल के वृक्ष के पास जाएं। पुराने वृक्ष से अर्थ है कि जिस पीपल की पूजा होती रही हो। जितना पूजित पीपल का वृक्ष होता है उससे उतना ही अधिक लाभ मिलता है। ऐसे पीपल के वृक्ष के पास जाने से पहले कुछ सामग्री ले लीजिए, थोड़ी सी रोली, एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा या रुमाल, लाल कलावा, एक आटे का दीपक, गाय का घी या तिल का तेल, रुई की बत्ती और हनुमान चालीसा। इतनी सामग्री लेकर शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और सभी देवी देवताओं और पितरों को प्रणाम कीजिए। सबसे पहले आटे का
जो दीपक आप लेकर गए हैं उसे पीपल वृक्ष की जड़ के पास जला दीजिए। वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पाठ पूरा होने के बाद वृक्ष पर ही लगा हुआ कोई बड़ा सा पत्ता देख लीजिए, उसे तोड़ना नहीं है। आपको रोली को पानी से घोलकर अपनी अनामिका उंगली से रोली से पत्ते पर अपनी मनोकामना लिख देनी है। जैसे व्यापार में लाभ चाहिए तो व्यापार लिख दीजिए, नौकरी में समस्या है तो नौकरी चाहिए तो नौकरी लिख दीजिए, घर चाहिए तो घर, धन चाहिए तो धन लिख दीजिए। जब मनोकामना लिख लें तो जिस डाली पर वो पत्ता लगा है उस डाली पर 7 बार कलावा घुमाकर लपेट देना है। ध्यान रखिए कि पत्ता टूटना नहीं चाहिए। बचे हुए कलावे को आप अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए। इसके बाद पीपल के नीचे ही बैठकर एक मंत्र जप करना है। बहुत ही सरल मंत्र है, ओम ह्रीम बट स्वाहा, ओम ह्रीम बट स्वाहा। मंत्र बहुत ही सरल है। इस मंत्र को 3 माला जप करना है। मंत्र जप पूरा होने के बाद सभी देवी देवताओं शनिदेव हनुमान जी और अपने पितरों को प्रणाम करें, अपनी मनोकामना कहें और पीपल की जड़ के पास से एक चुटकी मिट्टी निकाल लीजिए और लाल कपड़े में रखकर अपने घर आ जाइए। अगर आपने धन से संबंधित समस्या के लिए उपाय किया है तो आप ये मिट्टी अपने धन स्थान या तिजोरी में रख दीजिए। बहुत ही शीघ्र आपकी समस्या दूर हो जाएगी। या किसी और समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपने ये उपाय किया है तो अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। देखते ही देखते आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। साथ ही अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।